Hello, this is your host Aliha, and I welcome you to another exciting and crispy episode of Report 360, where we bring you lekar aate hain fashion, film, drama, and music se related tamam tar latest news and gossips. And we give you an update about all the latest happenings of showbiz. This week, we have a lot of things. So, karte hain show ko start with today's headline. Zara Sheikh appears in Fakhir's new video. Gambi out and Farhad Humayo in. Rizwan Heather and I Am Singh. Kolachi. Numan Javed to make a movie. Hamari film industry ki heroines mein aajkal film se zyada TV dramas, music videos aur TV commercials mein kaam karne ka trend badhta ja raha hai. Jaise ki recently Resham ne kiya hai kaam in Daniel's latest music video. Aur ab Resham ke baad ek aur famous actress aayengi nazar in a music video of a famous pop star. ये फिल्म एक्ट्रेस है कौन और वो कर रही है किस सिंगर के लिए काम देखते हैं इस रिपोर्ट में फेमस फिल्म एक्ट्रेस रेशम जिन्होंने 6 साल पहले किया था एक्ट इन म्यूजिक वीडियो फेमस पाकिस्तानी बैंड फ्यूजन और अब उन्होंने दोबारा किया है कमबैक इन म्यूजिक वीडियोस थ्रू डैनियल अर्शद्स लेटेस्ट सॉन्ग अब उनके बाद एक और फिल्म एक्ट्रेस ज़ारा शेख जिन्होंने कई साल पहले फ्यूजन की म्यूजिक वीडियो खमाज में किया था काम अलोंग विद शान सावन में तो जाए बेहरवा सावन और ये म्यूजिक वीडियो हुई थी खासी मशहूर अब वो एक बार फिर आएंगी नजर इन अनदर म्यूजिक वीडियो एंड दिस टाइम शी इज वर्किंग विद वन ऑफ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज बिग नेम फाखिर महमूद इस म्यूजिक वीडियो का नाम है एटम बॉम्ब और इस म्यूजिक वीडियो में ज़ारा शेख के साथ और मॉडल्स भी कर रही हैं काम जिनका नाम है किरण जेनिफर और अनम वीडियो का मकसद कोई खास मैसेज डिलीवर करना नहीं है इट्स जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट कलर एंड ग्लैमर जबकि कुछ ही रोज पहले फाखिर के सॉन्ग अला करे में महनूर बलोच ने किया है कमबैक बट ये सॉन्ग हिरोने में रहा है नाकाम बिकॉज इट वाज अ कॉपी ऑफ केटी पेरी सॉन्ग हॉट एंड कोल्ड लेकिन अब देखना ये है कि ज़ारा शेख और फाखिर का अपकमिंग वीडियो एटम बॉम्ब करता है धमाका या फिर होता है ठुस वेल वी विश ज़ारा एंड फाखिर अ वेरी गुड लक फॉर दिस वेंचर मस्ती भरी कर जादूगरी सारी दुनिया मरी होए होए काली जुल्फ तेरी नवे नींद मेरी या बात तेरी होए होए मैं हुस्न का नजारा तो मोए जग सारा और ना रखनी साधू में शकनी जिसके अब तक 4 सीजन हो चुके हैं एयर और रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुल और हर सीजन में परमानेंट हाउस प्लेयर्स के अलावा बाकी म्यूजिशियंस होते रहते हैं चेंज इन एवरी सीजन दे कम अप विद बेस्ट कोलैबोरेशंस बट कोक स्टूडियो के अपकमिंग सीजन में व्यूअर्स के लिए है एक शॉकिंग सरप्राइज वो सरप्राइज है क्या देखते हैं इस रिपोर्ट में कोक स्टूडियो जिसके हर सीजन में हमें सुनने को मिलती है बेस्ट म्यूजिक कोलैबोरेशंस ऑफ पाकिस्तान और इसमें टॉप पाकिस्तानी म्यूजिशियंस करते हैं पार्टिसिपेट क्योंकि होते रहते हैं चेंज इन एवरी सीजन जबकि हाउस बैंड के मेंबर्स रहते हैं सेम ही लेकिन इस दफा कोक स्टूडियो में जो मेजर चेंज होगा वो ये है कि परमानेंट हाउस बैंड मेंबर गंबी who plays drum is going to be replaced by Overload's founder member Farhad Humayo. John Louis Pinto too as known as Gambi is the best drummer of Pakistan till date. Gambi ko apne career ka breakthrough mila tha famous band Nuri se jiske wo permanent member bhi hain. Aur wo as a session player Pakistan ke alawa bahut se international artists ke saath bhi kar chuke hain play. Jabki Farhad Humayo Overload ke frontman aur drummer bhi hain. Aur wo bhi bahut se bands ke saath as a session player kar chuke hain kaam. और उनकी फैन फॉलोइंग भी है काफी ज्यादा बट गंबी के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा और हमने इस सिलसिले में ली है लोगों से उनकी राय भी
अब देखना ये है कि फरहाद हमायूं कोक स्टूडियो में अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस से पूरा उतरते हैं या फिर नहीं। Well, we wish him good luck for his new venture. Very difficult choice, by the way, because Farhad Humayun is a really good friend of mine. I was like there at his video shoot, or Gambi, as I know, he is the basically best drummer. So I think choosing from both of them is quite difficult. I think both are good. But लेकिन अगर उन्होंने change किया गंभी को तो I don't know the reason behind that. लेकिन I guess Farhad Humayun can also do a good job. I think if you compare Gambi's work with Farhad Humayun, then I think Farhad Humayun is a bit too immature. I like his work. He's a professional and he's amazing. I've been watching him and seeing him live since the past 3 years myself. But Gambi is Gambi. I mean, I would for Gambi. He's amazing. He's brilliant. He's so creative. That there's no comparison. मुझे तो personally Gambi पसंद हैं, लेकिन I hope and I wish Farhad Humayun all the best for this venture. और if I would have to vote, I would go for Gambi. Farhad का अपना style of playing है और Gambi is of course very good and let's see what happens. Just because you know, Coke Studio is a compilation of musicians जो के different तरह का music करते हैं. तो Farhad is different. So let's see what happens because you can never tell. हो सकता है कि फरहाद का जो अपना एक style of playing है वो उसके लिए ज़्यादा suitable हो. Gambi is very good and he has done a wonderful job in the past years. But I'm sure कि जिन लोगों ने decision लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो I totally trust their whatever decision making powers and everything. So let's see what happens because you never know. There is still a lot more on this show, but after a short commercial break, आप देख रहे हैं Report 360. Report 360, non-stop showbiz infotainment.